देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ब्लॉक पाठक के अंतर्गत ग्राम सुजानपुर भिडया में तालाब में उतराते मिले तीन शव। ग्राम सुजानपुर भिडया में बिट्टी उर्फ पवनेश कुमारी WO योगेश कुमार उर्फ भूरे दिनांक 8/9/2021 शाम करीब 8 बजे सौंच के लिए गई हुई थी। साथ में 6 वर्षीय खुशी, DO योगेश कुमार 4 वर्षीय दिव्यांश, CO योगेश कुमार मां के साथ गए हुए थे। हाकम सिंह CO द्वारका प्रसाद ने बताया कि मैंने बहू और बच्चे को 1 घंटे तक घर वापस न आने पर हम सभी लोगों ने काफी समय तक ढूंढा, लेकिन मेरी बहू और बच्चे मुझे नहीं मिले। हम सभी लोग हताश होकर के घर वापस आ गए और हम लोगों को काफी चिंता हुई। बहू हमारे नाती और नातिन आखिरकार कहाँ गए होंगे। सुबह करीब 6 बजे किसी ने बताया कि तालाब में 3 मृत लोगों के शव उतरा रहे हैं। तभी मैंने इसकी सूचना उसराहार थाने में पुलिस को दी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम घटना पर पहुंची और तीनों शवों को अपनी कस्टडी में लेकर इटावा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसराहार थाना अध्यक्ष तेज सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी हत्यारा होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। नितेश यादव की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।